सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने शब खदर के मौके पर शाही मस्जिद बागयामा के वफाज इकराम को तहनीत पेश की। शब खदर के मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। उन्होंने शाही मस्जिद बागयामा के वफाज इकराम को तहनीत पेश की। इस मौके पर रेड हिल्स डिवीजन कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, मस्जिद के इमाम व खतीब डॉक्टर अहसन बिन अल हुमूमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद अफजल साहब, ये सैयद अबू बकर साहब, इधर आइए साहब। ये हमारे तमाम मस्जिद के तमाम खिदमत गुजारों में सबसे बड़े खिदमत गुजार हैं जनाब मुदीन कुरैशी साहब, सबसे सीनियर मोस्ट माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें सेहत दे, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, मिल जाएगी माशाल्लाह बेटी को माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई मुनीर भाई साहब, मेरे साथी आरिफ रिजवान साहब और पेंटर लेटर्स यहाँ पे बैठे हुए, मेरे फॉर्म के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पता बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार मोहन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। मैं सबसे पहले इंतजामिया कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इस अजीम प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे बुलाया गया और आपके इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया गया। क्योंकि वक्त भी कम है, बस आपसे ये बस अदमन गुजारिश में करने आया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया तो सबसे पहले एहसान साहब ने उन तमाम की खुदकुशी कराई जो इस मस्जिद के लिए काम कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर आपके सामने खादिम के तौर पर ठहरा हुआ। तो इंशाल्लाह ताला ने एक तवक्कु आप मुझसे रखिए कि मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूँगा, आपके तवक्कुआत पे उतरने की पुरजोर कोशिश करूँगा। और हमने कोशिश की कि आप लोग जो यहाँ पे माह रमजान में आते हैं आपको बेहतर सहूलतें दी जाए। हमने कोशिश की, मैंने मेरे साथियों ने, कि यहाँ के इंतजाम को जिस तरीके से मस्जिद कमेटी हमें बताती है उस तरीके से अंजाम दिया जाए। और हमने कोशिश की कि आप जिस यहाँ पे जिस वो आपके लिए सहूलत बनी, बस आपसे ये गुजारिश है, हमें भी आपका अपना आपका खादिम समझते हुए जब आप अल्लाह की बारगाह में हम दुआएं उठाए अपने खुद के लिए, हमारे लिए, हमारी जमात के लिए, बिलखसूस सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब की कामयाबी के लिए भी दुआ करें ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज बन सके। बस इन चंद गुजारिशात के साथ, क्योंकि नमाज का वक्त भी है, आपसे इजाजत चाहता हूँ और फिर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आपने हमें बुलाया। इज्जत बख्शी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।